नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हिमानी भट्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो टॉक विद टॉप्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं जानी मानी चार्टेड अकाउंटेंट मिस्टर पवनपुरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में आने के लिए। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपने एजुकेशन कहाँ से करी, देन आपका सीए में कैसे आना हुआ, कैसे आपने सीए अपनी कंप्लीट करी। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट लुधियाना, पंजाब। आई हैव ऑल माय एजुकेशन इन लुधियाना। तो आई स्टार्टेड विद मेडिकल स्ट्रीम, देन शिफ्टेड टू कॉमर्स, बट आई नेवर न्यू अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो आउट ऑफ माय ग्रुप, आउट ऑफ माय बैच ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 80 and 85 पीपल वेंट फॉर दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट स्ट्रीम। सो आई स्टार्टेड दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट स्ट्रीम आल्सो। तो बाय 85 आई क्लियर्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड देन स्टार्टेड माय प्रोफेशन, प्रैक्टिस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। From the last 33 years, I am in this profession. Starting from Ludhiana, now I have got my offices at Chandigarh, Ludhiana, Delhi, Mumbai and Bangalore. And having 15 partners along with 70 people working with us. So, this is my journey of this profession. From the last 33 years. सर, आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो आपको क्या सीखने को मिला, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? ओवर द लास्ट 33 साल में क्या कुछ नहीं सीखने को मिला, वर्क वाइज, इंडस्ट्री वाइज, लोगों को बिहेवियर वाइज, एवरीथिंग, फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग, हमने इसी यही प्रोफेशन से सीखा है। कनेक्शंस, इंडस्ट्री में क्या है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, हर आदमी के बिजनेस के पीछे उनकी क्या प्लस है, क्या माइनस है। यही थ्रू आउट 33 साल में हमने जो सीखा है, इसी से सीखा है, यहीं से सीखा है। तो जो बेसिकली इसमें सीखने को मिला है कि हार्ड वर्क एंड सिंसाइटी मस्ट है टू ग्रो इन योर लाइफ। बोथ आर हैंड एंड ग्लव्स विद एवरीबडी एंड एवरीबडी, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है। यू हैव टू वर्क एंड वर्क विद सिंसैरिटी, अदरवाइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मे फॉल। तो दिस इज ए क्रक्स ऑफ माई लाइफ कि आपकी मेहनत और आपकी सिंसैरिटी दोनों बेसिक पार्ट हैं आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए। सर, जो सीए हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? दे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज द बेसिक नीड्स। तो एवरी स्टेप इंडस्ट्री लगाने से पहले, इंडस्ट्री चलाने से और इंडस्ट्री को बढ़ाने में, हर एक जगह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। इवन गवर्नमेंट की हर पॉलिसी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। क्योंकि इंडस्ट्री लगाने से पहले उसकी प्रोजेक्शंस, उसके नॉर्म्स, सब कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू ही होते हैं। और डे टू डे चलाने में भी, और एज डिजिटलाइजेशन आ रही है तो उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल एक मेजर पार्ट है। जैसे एक इंडस्ट्री लगाने में एक प्रमोटर है, बैंकर है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये पार्टनर हैं, ताकि वो तीनों एक बैलेंस करके आगे चल सके। सो एक बेसिक पार्ट हर इंडस्ट्री, हर चीज का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन ही है। और वी कैन से एक प्रोफेशनल इज ए मस्ट फॉर एवरी पाथ ऑफ लाइफ। अब हम देख लें, घर में भी, बिजनेस में भी, हमारे प्रोफेशन में भी, कहीं भी कुछ चलाना हो तो एक प्रोफेशनलिज्म इज ए मस्ट। सो वी कैन जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग इन एवरी गवर्नमेंट एजेंसीज, एवरीथिंग। इफ एनीथिंग इज सर्टिफाइड बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज रिलाइड अपॉन। हमारी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना है?
हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अभी तो स्टैंड स्टिल हुई थी ड्यू टू वर्ल्ड वाइड रिसेशंस, लेकिन अभी ये दिस नाउ पिकिंग अप बिकॉज ऑफ टर्मिनल एवरीवेयर इंटरनेशनल लेवल. पीछे कोल ब्लॉक्स खत्म हो गए, एट अपना दिस जो 2G स्कैम आ रहा है उसके बाद नाउ दिस पिकिंग अप एट अगेन अगेन बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स अप द थिंग्स, टू क्लीन अप द थिंग्स. दिस बैड लोन्स, बैड स्ट्रक्चर्स, उनको क्लीन अप करने में लगे हुई है. इसीलिए इट मे टेक टाइम. राइट नो वी कांट से कि इट इज इट विल पिक अप इन दैट पेस, बट इट विल. जैसे हम कहीं कोई काफ़ी गार्बेज पड़ा हो तो सफाई करने में टाइम लगता है, लगने के बाद सफाई होने के बाद द ग्रोथ विल स्टार्ट. तो व्हाट आई फील इज कि थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन. इट मे टेक सम टाइम बट इट डेफिनेटली इट विल टेक. बेसिकली क्या है कि वी हैव ऑल द रिसोर्सेज एज इन अवर हाउस, वी हैव द रिसोर्सेज बट नॉट प्लेस्ड इन ए प्रॉपर मैनर. तो ये लगता है कि एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम है. द मोमेंट वी प्लेस ईच एंड एवरीथिंग, वही घर एक सुंदर सा एक घर बंगला लग्न बन जाता है. तो दैट्स वाई इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज. आज वही चाइना है जिसके पास इतनी आबादी, उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन में दे आर ग्रोइंग फास्ट. आज तक हम हिंदुस्तान वो पॉपुलेशन को एक कर्ज मानते रहे हैं. नाउ वी शुड यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज और इंटरनेशनली वी कैन ग्रो एंड वी आर ग्रोइंग इन दैट मैनर. मैकल पिछले 4 साल में आपने मैकल कभी भी नहीं सुना होगा कि हमारी पॉपुलेशन दिस गवर्नमेंट दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि हमारी ये पॉपुलेशन एक कर्ज है. इट इज एन एसेट, वी शुड यूटिलाइज दैट एसेट इन प्रॉपर मैनर. कोई अपनी यूटिलाइजेशन किसी एसेट की करते हैं तो दैट गिव्स अस ए रिजल्ट्स इन ए राइट एनर्जी मैनर. यस्टरडे वी वर सिटिंग विद ए पर्सन, वो बता रहा था कि आई वेंट टू सिंगापुर. तो मैं टैक्सी में कहता जा रहा तो सिंगापुरी वाला तो पूछा कहाँ से इंडिया. तो ही हैज सो प्रेज फॉर कैन यू हैव दैट डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर. मतलब फ्रॉम सो इमेज ऑफ इंडिया हैज ग्रोन ए मेनी फोल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड दिस रिप्रेजेंट्स अवर ग्रोथ. जस्ट जब कोई आपकी तारीफ दूसरा आदमी करने लग पड़ेगा दैट मीन्स दे आर सीइंग सम गुड इन यू. सो इन द नटशेल वी कैन से वी आर ऑन द राइट पाथ. इट मे टेक सम टाइम बट वी आर ऑन द राइट पाथ. सर साइबर क्राइम जो हमारे देश का बहुत बड़ा इशू है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके दो बेसिक रीज़न है जी. एक तो अवेयरनेस लोगों में कम है, यूजेज ऑफ साइबर. सेकेंडली ट्रेनिंग ऑफ द पीपल हु कंट्रोल दैट. ऑल्दो इट इज ए मस्ट फॉर एवरी इकोनॉमी, इट इज ए मस्ट फॉर एवरी ग्रोथ. क्योंकि जो काम दिनों में होता था घंटों में हो रहा है, जो स्पीड से काम हो रहा है और जिसकी कंट्रीब्यूशन इज मैनी फोल्ड. बट फॉर एवरी गुड थिंग देयर इज ए बैड थिंग ऑल्सो. उसी को हम बैड तरीके में यूज़ कर सकते हैं, उसको गुड में यूज़ कर सकते हैं. अवेयरनेस बढ़ती है अवेयरनेस के साथ. हाँ देखो चोर आपसे हमेशा तेज होगा, बट द मोर चेक्स यू पुट इन द परसेंटेज ऑफ क्राइम लोअर डाउन. सो इट विल टेक सम टाइम, द पीपल विल गेट अवेयरनेस. आप खुद स्मार्टफोन यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग यूज़ करते हो. डे वन जब आप कर रहे थे और आज में आप में ही फ़र्क है. और मैं ये कहूँगा कि लोअर क्लास पीपल आर यूजिंग मच मोर द स्मार्टफोन्स देन अस. तो दिस इज बिकॉज ऑफ अवेयरनेस. इट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, एवरी थिंग्स टेक्स इट्स ओन टाइम. बट यू से द बेनिफिट्स ऑफ इट. तो आपके यहाँ बैठे 5 मिनट में आपकी पेमेंट्स, आपकी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं आप दूसरे कंट्रीज़ में भी. सो
किस तरह से हमें साइबर क्राइम को रोक सकते हैं अगर आप? तो उसमें बेसिकली अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस फॉर द यूजर्स, ट्रेनिंग फॉर द चेकर्स, इंटरमीडिएट्स. सो थिंग्स आर गोइंग ऑन बट प्रिवेंटिव मेजर्स, थिंग्स आर गोइंग ऑन बट ये वो मैं विफल पहले ये कह रहा हूँ कि चोर आपसे हमेशा तेज होगा. तो यू द मोर यू अवेयर उतना उसका कम हो जाता है. यही चीज़ है सर. जो सीए हैं डे बाय डे जो नंबर्स हैं वो सीए के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें बेसिकली दो रीजंस हैं. नंबर्स बढ़ने में अच्छी चीज़ है बिकॉज इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है. इसका बैड इफेक्ट क्या है कि अंडर कटिंग शुरू हो जाती है, ट्रेनिंग पार्ट प्रॉपर नहीं होता. टू एंड देयर मीन्स दे मे गो फॉर अनवांटेड थिंग्स. सो बेसिक वही है, अवेयरनेस और इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो. हमारी जो गवर्निंग बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी पूरी पूरा पार्ट ले रही है कि ट्रेनिंग इसकी प्रॉपर हो, हर चेक्स एंड बैलेंसेस हो, गवर्नमेंट इंटरफेस उनके चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर हो. हो भी रहे हैं, मैं फिर वही कहूँगा हो भी रहे हैं, बट इट टेक्स सम टाइम. हर चीज़ के साथ बैड एंड गुड इफेक्ट्स आर लगे हुए हैं. आगे आप एक बड़ी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई करती थी, आज एक छोटे छोटे यूनिट्स भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एम्प्लाई करते हैं, उनको प्रोफेशन में काम देते हैं. इट्स ए गुड थिंग, तो ताकि उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर हो सके. लेकिन बैड भी होता है कि अगर वही चीज़ हम मिस यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो दैट विल क्रिएट ए बैड इफेक्ट. नेम ऑफ द दिस प्रोफेशन विल बी डाउनग्रेडेड. अभी लास्ट जो पिछले एक साल में गवर्नमेंट के चेक बैलेंसेस, गवर्नमेंट की इंटरफेस, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके कारण मोर देन 230 चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजाइन फ्रॉम द लिस्टेड कंपनीज, जो आज तक नहीं हुआ था बड़ी बड़ी कंपनियों में भी. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स के अवेयरनेस है कि वी विल बी कॉट, वी विल बी अंडर बिहाइंड द बार्स. सो दिस इज ए मेजर एवेन्यू ऑल्सो, इज ए मेजर लॉस ऑल्सो. एज ए मेडिकल प्रोफेशन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द सिस्टम ट्रेनिंग, दे आर मोर वेल इक्विप्ड. चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप किसी से सीखने नहीं जा सकते. एज ए ट्रेनी यू कैन आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तब वो आपके अंदर ही डर रहेगा मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये नहीं आता. ये चीज़ें जरूरी हैं. द मोमेंट आप पहले सीरियस ले लो, पहले काम कर लो, बाद में मत पछताओ. मेजर पार्ट है कि ट्रेनिंग को अगर प्रॉपर लो डे वन से, यू टेक इट सीरियसली. मैं तो एक सिंपल सा लाइफ में ये चीज़ कहता हूँ, वट एवर यू डू इन लाइफ यू मस्ट इन्जॉय इट. जैसे आज आपका प्रोफेशन है, अगर आप इसको बर्डन सुनोगे तो ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. तो मोमेंट यू एन्जॉय बिग, आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस थिंग. आज आप मेरे ख्याल हज़ारों आदमियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप हर एक के व्यूज़ मिल रहे हैं, तो यू शुड इन्जॉय इट. द मोमेंट यू फील एट बर्डन ऑफ इट, तो यू विल थिंग्स विल फॉल डाउन. आपकी वो क्वालिटी, आप में वो चार्म, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा. तो प्रोफेशन में आज जो एंटर कर रहा है, ही शुड टेक इट इन्जॉयमेंट. क्या यार मेरे को आज नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. द मोमेंट यू डू इट, तो सारा एक सोसाइटी आपको सिखाने के लिए बैठी होती है. तो यही है कि उनके लिए कि दे शुड टेक इट इज एज ए, आई कैन से इसके मैं आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, आई वांट टू, आई लव इट. आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? मैंने पहले सबसे बोला था हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी. सो उसमें तो मैं यही कहता हूँ, आपसे पहले आपकी रेपुटेशन पहुँचती है. आप जहाँ भी जाते हो, किसी से कोई भी काम करने जाते हो, कोई मिलने जाओगे, कोई दोस्त बनाते हो, तो हम चार आदमियों से पूछ लेते हो यार बंदा आदमी कैसा है. आप तो मिले नहीं होंगे बट आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुँच जाएगी. सो इफ़ यू आर सिंसियर एंड हार्ड वर्कर, तो आपकी गारंटी लेने वाले 10 बैठे होंगे. बट इफ़ यू आर ए चीटर और लायर, तो आपसे हटने वाले 10 हो जाएंगे. सो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर वर्क.
सर, अगर आप हमारी यंग जनरेशन को कुछ एडवाइस देना चाहें या अपकमिंग सीए जो बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, अगर आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहें? एडवाइस वही है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और काम से घबराओ मत. और जो भी मौका मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसको यूज़ करो. मैं, आप एक साल कहते हो, मैं 365 अपॉर्चुनिटीज़ कहता हूँ. तो एवरी डे एवरी न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ देयर. तो जहाँ जाओगे, जहाँ जिस अप्रोच से जाओगे, तो यू विल फाइंड समथिंग टू ऐड टू योर लाइफ. आपकी बकेट में कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा. भाई ये मैं आपसे अचीव नहीं कर पा, तो दोबारा कैसे इसको आपको अप्रोच करो? किसी से मिलना, आज बोलो मेरे को, मैं मोदी से मिलना, मैं मिलने चले जाऊँगा. वो डरना क्या है? तो ही इज़ लाइक ओवरऑन, वो भी 5-6 फुट का है, 5.5 फुट का मैं भी हूँ. ही इज़ ए पर्सन, आई एम ए पर्सन. बट थिंग्स क्या है कि ही हैज़ पॉजिटिविटी, ही इज़ रीच देयर. तो इफ़ आई कुड बी देयर, वी कैन रीच एवरीवेयर. एनीबडी, एवरीबडी कैन रीच टू एनी हाइट. वही 5-5.5 फुट का आदमी है, अपने दांतों से एक ट्रक रोक सकता है, तो आप क्यों नहीं है? कमिटमेंट, उसकी कमिटमेंट है कि मैंने ये करना है. उसकी बॉडी में वही चीज़ है जो आपकी में है. इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट. सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, किस तरह से आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, किस तरह से अपने आप को टाइम देते हैं, और क्या क्या आपकी हॉबीज हैं जो आप फ्री टाइम में करते हैं? वही मेरे गुरु ने, एक किसी ने पूछा था, गुरु जी हम पूजा पाठ करें या काम करें? तो उन्होंने पूछा, कहते बचपन में जब आप साइकिल चलाते थे तो क्या करते थे? तो कहते जी साइकिल बैलेंस करते थे. तो लाइफ को बैलेंस करो, तो उसमें किसी तरीके से बैलेंस कर लोगे चीज़ें, दोनों में मजा है. घर वालों को पता है कि काम भी ज़रूरी है, काम से है भी, घर वालों को भी टाइम देना. तो मिक्स एंड मैच करना पड़ता है. मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है, बट हम घर फैमिली को भी टाइम देते हैं. हमारी हॉबीज़ काम ही है, दोस्ती है, यही चलते रहते हैं. जहाँ कुछ टाइम मिले, तो एक यही मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ. तो गुरुजी से ही पूछा, तो हमारे गुरुजी, ही वर्क्स 22 आवर्स ए डे. रविशंकर जी शायद था, पर श्री रविशंकर जी. अब एनी टाइम यू फाइंड हिम 18 से 20-22 घंटे वो दिल में काम करते हैं. तो आप पूछते हैं रेस्ट नहीं करते? कहते आई रेस्ट बिटवीन लाइव्स. तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ, वो कहते जहाँ मौका मिला उसको इन्जॉय कर लो. मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको इन्जॉय कर लिया टाइम को. सफ़र करो तो सफ़र को इन्जॉय कर लो. डोंट टेक एनीथिंग ऑन बर्डन ऑन यू. यार मेरे को सफ़र करना पड़ रहा है, तो ये मेरे बर्डन है. द मोमेंट इट गोज़ टू योर लाइफ, आपका वो मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा. सो हर पॉइंट ऑफ टाइम को आप यूज़ करो, इन्जॉय करो, तो आपकी फैमिली, आप सब उसी में इंजॉय खर्च करते रहोगे. हिमानी जी, आपने लाइफ में कई बार ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है, हर जगह होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो मैंने लाइफ में ये चीज़ हर एंगल में इसको देखा है. गाड़ी चलाते हुए भी लिख लो, रिश्तों में भी देख लो, काम करते भी देख लो, रिलेशंस में भी देख लो. तो ये चीज़ हर जगह काम आती है. द टाइम आपकी अवेयरनेस कम होती है, तो चांसेस ऑफ यूर फॉलिंग डाउन इज मच मोर. तो ये एक, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये जरूर कहता हूँ कि लाइफ में ये चीज़ हमारा याद रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के लिए, ये चीज़ हर जगह काम आएगी. तो इसको एक माइंड में बांध लो. तो मेरे कई दोस्तों जो मेरे को बुलाते ही ऐसे हैं, भाई हाँ जी पूरी साहब, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो ये चीज़ एक मस्ट है लाइफ में, अवेयरनेस. ये वो तो एक वर्ड है ना, दिस इज़ अवेयरनेस. जहाँ आपकी किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस कम हो, जैसे अभी आपने मेरे से पूछा आप मेरे फैमिली को सबको कैसे टाइम दे पाते हो, तो दिमाग में वही रहता है कि यार इनको भी ही टाइम देना है. तो टाइम निकल जाता है, घूमने निकल गए, कहीं चले गए, ठीक है. तो हाल तो 10-15 दिन का हमारा टूर भी होता है, तो घर में आते तो घर जैसे ही हैं. तो ये भी एक पार्ट है लाइफ का, जो आने वाले हर जो जिस आदमी को जहाँ पे यूज़ करना जरूर कर सकते. थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें करी.
इतना कुछ हमें एडवाइस दी, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू आप लोगों का हमें मौका दिया, जो कुछ हमने कहीं से सीखा वो आपसे साथ शेयर किया है। थैंक यू आप लोगों का है, ये चीज़ 10 लोगों में 50 लोगों में पहुँचेगी तो कुछ अच्छा ही निकलेगा, एंड वी एक्सपेक्ट सो। थैंक यू जी। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर पवनपुरी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके बारे में जान के। तो अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी हस्ती के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।